आज बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है, लेकिन बीजेपी जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुई है शोर शराबा हो हंगामा से ही शुरू की है। लगातार जिस तरह से छपरा जिले में लोगों को जहरीली शराब से मौत हो रही है, इसको लेकर के हो हंगामा कर रही है और लगातार सरकार से मुआवजे की मांग कर रही है। सरकार से ये कह रही है कि उन्हें मुआवजा दे, नहीं तो इस्तीफा दे। जिस तरह से लोगों की मौत हो रही है, लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पे हमलावर है। इसी को लेकर के आज पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने भी कह दिया है कि उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। प्रावधान के अनुसार उसमें नियम बने हुए हैं कि जिन लोगों की शराब से जहरीली शराब पीने से मौत होगी उन्हें मुआवजा मिलेगा। और भी क्या कुछ कह रहे हैं रामसूरत राय, पहले आप वो सुने। सिर्फ मीडिया में क्यों नहीं करते? भीतर में भी मांग हुआ, बाहर भी होगा, सदन पर भी हुआ, सड़क में भी होगा, और आज तो आपको देखने को मिला होगा कि उनके गठबंधन के लोग भी मांग कर रहे हैं। तो मैं पुनः ये सरकार से कहना चाहूंगा कि आप काले पट्टी बांधकर न देखें, आप चश्मा लगा करके देखें। आंख अगर खराब हो चुका है, ये एक दो लोग नहीं मरे हैं, 200 से ऊपर लोग मरे हैं। आपके आंकड़े विफल हैं, आंकड़ा गलत है। आपके प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उन गरीबों को धमकाया जाता है, कहा जाता है कि तुम कहो कि हम ठंडा से मर गए हैं और बाहर जाके इलाज का नहीं अगर कराओगे तो तुम्हारा घर नीलाम कर दिया जाएगा। एक बड़ी त्रासदी है, हादसा है, ट्रेजरी है, इसको हम सब लोग मांग कर रहे हैं। और नियमावली 2016 में जब महागठबंधन की सरकार थी, उस महागठबंधन की सरकार में कानून बना था कि मुआवजा का प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। और सदन के अंदर आज भी इस विषय पर हम लोग सदन को नहीं चलने देंगे और निश्चित रूप से सरकार को मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा, नहीं तो इस्तीफा देना पड़ेगा। शराबबंदी कानून है, यहाँ पर शराब नहीं बिकेगा तो मुआवजा कैसे मिलेगा? शराबबंदी कानून है, नियम है, कानून तो आप ही ने बनाया है ना, वो कानून को फिर बंद कर दीजिए, आप कानून को बंद कर दीजिए। और इस कानून शराब जो बिक रहे हैं, आज मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज भी हम लोग टीवी में देख रहे थे किसी चैनल में कि आज भी वहाँ जो रेडियस जो घटना घटा है उसके अगल बगल 20-25 किलोमीटर के रेंज में लगभग 60,000 लीटर अवैध दारू शराब, जहरीली शराब प्राप्त हुआ। यानी बड़े सिंडिकेट इसमें काम कर रहे हैं, बड़े विभाग के संलिप्तता के कारण काम हो रही है। तो आपने साफ तौर पर सुना उनका कहना है कि मुआवजा तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो आज भी सत्र चलने नहीं देंगे। यहाँ तक कहते कहते तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि जिन्हें प्रावधान है, जो लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है, उन्हें तो हर हाल में मुआवजा मिलना चाहिए। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।